نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubha.org بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح اینڈرائڈ لرننگ پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اینڈرائڈ پوڈکاسٹ کے سلسلے میں آج ہم چوتھا پوڈکاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ٹیکس ایڈیٹنگ کے بارے میں تو آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میسج ایپ کو اوپن کرتی ہوں اب یہاں پر میں کسی بھی میسج کو اوپن کر لیتی ہوں اب مجھے اس کے ایڈٹ باکس میں میسج لکھنا ہے میں یہاں لکھتی ہوں گڈ مارننگ کیا حال ہے उसको पढ़ते हैं हमने देखा गुड मॉर्निंग क्या हाल है लिखा गया अब हम चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग जो हमने लिखा है शुरू में वो एंड पर ले आए तो मैं गुड मॉर्निंग पर फोकस करती हूँ सबसे पहले मैं नेविगेशन मोड पे वर्ड सिलेक्ट करूंगी अब मैं पढ़ती हूँ गुड मॉर्निंग के मैं गुड पर आ गई अब मैं यहाँ पर लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करती हूँ एडिटिंग ऑप्शंस इस पर क्लिक करती हूँ मूव कर्सर टू बिगिनिंग इसका मतलब है कि अगर हम मैसेज के एंड पर हैं या मैसेज के बीच में है और कोई बहुत बड़ा मैसेज है हम चाहते हैं डायरेक्टली शुरू में चले जाएं तो हम लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलकर एडिटिंग ऑप्शंस में जाकर मूव कर्सर टू बिगनिंग करेंगे तो हमारा फोकस मैसेज के स्टार्ट में हो जाएगा मूव कर्सर टू एंड इसी तरह अगर हम मैसेज के बीच में या स्टार्ट में हैं और एंड पर आना चाहते हैं तो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलकर एडिटिंग ऑप्शंस में जाकर कर्सर टू एंड पर क्लिक कर देंगे तो हम एंड पर चले जाएंगे पेस्ट सेलेक्ट ऑल यानी कि अगर हम पूरा का पूरा मैसेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं स्टार्ट सिलेक्शन मोड इस पर हमें अभी डबल टैप करना है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाए डबल टैप करती हूँ सिलेक्शन मोड ऑन कहा इसने अब मैं अपना दोबारा फोकस चेक करती हूँ कि वर्ड पर है या नहीं अमूमन वापस करेक्टर पर चला जाता है या कहीं और चला जाता है मैं दोबारा चेक करती हूँ करेक्टर पर चला गया तो मैं वर्ड पर दोबारा किया है अब मैं पहले राइट टू लेफ्ट स्वाइप करके देखती हूँ कि मैं गुड पर ही मौजूद हूँ अब मैंने लेफ्ट टू राइट स्वाइप किया यानी आगे जाने के लिए अगले वर्ड पर जाने के लिए तो मैं पहले गुड पर हूँ तो सिलेक्ट हो गया मॉर्निंग सिलेक्ट हो गया ये दोनों वर्ड सिलेक्ट हो गए अगर मैं राइट टू लेफ्ट करती हूँ यानी के प्रीवियस वर्ड के लिए तो ये अनसेलेक्टेड बोलना शुरू कर देगा अनसेलेक्टेड अनसेलेक्टेड दोबारा करती हूँ राइट की तरफ सेलेक्टेड अब मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दोबारा जाती हूँ कट आ रहा है क्योंकि मुझे कॉपी नहीं करना कट करना है क्योंकि अगर मैं कॉपी करती हूँ तो यहाँ पर भी शुरू में भी रह जाएगा और जहाँ पर पेस्ट करूंगी वहां पर भी रह जाएगा तो हम कट करेंगे कि यहाँ से कट हो जाए और जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहां पर चला जाए कट पे डबल टैप करती हूँ कट हो गया अब मैं दोबारा अपना फोकस चेक करती हूँ वर्ड पर है वर्ड पर फोकस किया क्या हाल है ये तो मैंने स्वाइप कर करके पढ़ा है तो मैं डायरेक्टली भी एंड पर फोकस ला सकती हूँ कर्सर टू एंड करके मैं फिर क्या पर लाती हूँ क्या पर आ गई अब मैं कर्सर टू एंड करती हूँ एंड
कर्सर एंड पर आ गया मेरा, यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क के बाद स्पेस प्रेस ना किया हुआ हो या जो भी लेटर है उसके बाद स्पेस प्रेस ना किया हो तो जब मैं पेस्ट करूंगी वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मैंने स्पेस प्रेस किया, अब मैं इसे पेस्ट करूंगी लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके गुड मॉर्निंग को। पेस्ट कर दिया। अब पढ़ते हैं मैसेज को। अब शुरू में कुछ नहीं है, अब ये गुड मॉर्निंग एंड में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इस गुड मॉर्निंग को हम क्या हाल है इसके सेंटर में लाते हैं। दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, गुड पर आ गई मैं। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलती हूँ। स्टार्ट सिलेक्शन मोड पे क्लिक किया, वर्ड पे फोकस किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसे कट करती हूँ। कट हो गया। अब मैं इसको क्या और हाल के दरमियान लाती हूँ। अब मैं हाल पर जब आ गई तो अब मुझे करेक्टर वाइज पढ़ना है, क्योंकि हाल तो पूरा वर्ड है, मुझे हाल के चेक करने के मैं एच पर हूँ। एच बोला, एक दफा मैं दोबारा राइट से लेफ्ट स्वाइप करूंगी, स्पेस है। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। और स्पेस प्रेस कर दिया मैंने। क्या गुड मॉर्निंग हाल है, ठीक है। ये इस तरह बीच में आ गया, क्योंकि बाद अवकात हमें कोई चीज एंड से सेंटर में भी लानी होती है तो वो इस तरह लाएंगे कि या तो हम किसी करेक्टर के बाद लाना चाह रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते थे, क्या के आई ए, क्या के ए के बाद में स्पेस पर आती और स्पेस के आने के बाद उस पे पेस्ट कर देती, या तो उल्टा मैंने यहाँ स्वाइप कर लिया कि एच के बाद स्पेस से पहले पेस्ट कर लिया और फिर स्पेस प्रेस किया ताकि वो दोनों वर्ड मिक्स ना हो जाएं, अलग अलग रहें। तो इस तरह टेक्स्ट एडिटिंग की जाती है। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब आपसे अगले किसी पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।